नाम लिखो। सर जो प्रेस वार्ता रखी आपने, किस विषय पर प्रेस वार्ता रखी है जी? किस विषय पर रखी है सर? आज जो प्रेस वार्ता हो रही है, किस विषय पर प्रेस वार्ता हो रही है? ये प्रेस वार्ता जो हो रही है, ये मतलब ये बकरीद की कुर्बानी और नमाज वगैरह के सिलसिले में, इस पर मैंने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आने के बाद में ये बात कह रहा हूँ। मैंने गवर्नमेंट से ईद-उल-अज़हा के सिलसिले में मांग की थी कि मुसलमानों को ईद के मौके पर सोशल दूरी के साथ इज्तिमाई नमाज की इजाज़त दी जाए और कुर्बानी पर कोई पाबंदी न लगाई जाए और जानवरों की ख़रीदो फरोख्त के लिए देहात के बाज़ार खोले जाएं। इस सिलसिले में सरकार ने हमारी कुर्बानी की मांग को मान लिया है, लेकिन इज्तिमाई नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़ने से मना किया है। सिर्फ 5 आदमी ही मस्जिद या ईदगाह में सोशल दूरी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। यूपी सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिस तरह नमाज ईद-उल-फ़ित्र की पढ़ी गई थी उसी तरह से घरों पर अदा की जाएगी। चूँकि कोरोना वायरस में इजाफा हो रहा है, इसलिए लोग अपने घरों पर नमाज अदा करें और कुर्बानी भी अपने घरों पर ही करें। ममनुआ यानी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी के से पूरी तरह परहेज़ करें। मेरी ये भी प्रशासन से अपील है कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को हमदर्दी के साथ निभाने की कोशिश करें। इस मौके पर बिजली, पानी और सफाई का माकूल इंतज़ाम किया जाए और पुलिस कुर्बानी वगैरह के सिलसिले में कोई गैर ज़रूरी कदम न उठाए जिससे माहौल ख़राब हो। और ये बात मैंने अभी ये 3 बजे मेरी DM SP वगैरह थे, उनसे भी गुफ्तगू हुई है मुफ़स्सल तौर पर सारे हालात पर, और हमने कहा कि हमने जब ये आप मांग की थी कि भाई नमाज पढ़ने की मुसलमानों को मस्जिदों में खोली जाए और ईदगाहों में सबकी इज्तिमाई नमाज करा होनी चाहिए ताकि हम दुआ मांग सकें, और जो कोरोना है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो सका है, ना कोई वैक्सीन बन सकी है, तो ना सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि सारी दुनिया इसको के मुल्क इसको अभी तक कोई इसका इलाज और इसका वैक्सीन नहीं बना सके, तो हमने कहा इसका इलाज, इसकी वैक्सीन अल्लाह के हाथ में है। चूँकि हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएँ हुई हैं, अगर हम ऐसे वक्त में जब कुर्बानी का महीना का त्यौहार है, नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह के दरबार में हम दुआ मांगेंगे, अपनी खताओं की रो रो कर और गिड़गड़ा कर कहेंगे, तो हो सकता है कि अल्लाह को हमारे इस पर रहम आ जाए और हमें वो माफ़ कर दे, तो खुद ही भाग जाएगा कभी। ये मैंने लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने यानी पॉलिसी के एतबार से वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझते, तो उन्होंने अब जो गाइडलाइन दे दी है, अगर वो हमें इजाज़त देते तो हम मस्जिदों में भी नमाज अदा करते सब मिलके, ईदगाहों में पढ़ते, लेकिन अब 5-5 आदमी ईदगाहों में नमाज या मस्जिदों में हो जाएगी तो
उनका यही कहना है कि नमाज अब मुसलमान जैसे ईद उल फितर पर के मौके पर अपने घरों पर पड़ी थी कोरोना की वजह से इसकी, और इस वक्त कोरोना पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब भी लोग अपने घरों पर अदा करें। तो मेरी ये बड़े अदब से सबसे गुजारिश है, हमें कोई ज़िद नहीं है इस बात की, हम नहीं चाहते कि कौम के अंदर कोई अफरा तफरी फैले या आपस में कोई लोग मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कितनी डिबेट हुई है मेरे इस बयान के ऊपर, और गलत तरीके से मुझको वो पॉलिटिकली धमकाने की भी कोशिश की और जेल की भी धमकी दी गई। मैंने कहा जेल में जाने से नहीं डरता, मैं बहुत मर्तबा जेल में गया हूँ, नमाजें जेल में पढ़ी हैं मैंने, लेकिन अगर कौम के लिए किसी कुर्बानी की ज़रूरत होगी तो हर वक्त मैं जेल और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब हालात ये है कि हमें अपनी कौम का भी और दूसरों का भी ख्याल है कि अगर हमारा को इस किस्म की कोई बात करते हैं तो इससे नुकसान होगा, तो इसको देखते हुए, और हमने ये बात भी उस वक्त कंडीशनली कही थी, ये फैसला हाँ उस वक्त भी हमने ये कहा था कि गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी तो पढ़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना वो गाइडलाइंस जारी कर दी, और तो इसलिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी, इसलिए हम नमाज अपने घरों पर पढ़ेंगे। और सब मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि वो भी इस मौके पर हालात बिगाड़ने की अब कोशिश ना करें, बल्कि हम इस कुर्बानी को खूबसूरती से घरों पर नमाज पढ़कर और कुर्बानी कर और कुर्बानी की मुकम्मल इजाज़त है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, जो सिर्फ प्रतिबंधित जानवर हैं उनको छोड़कर जो भी कुर्बानी हर जिस पर की जा सकती है उसमें हमें मुकम्मल इजाज़त है। तो इसलिए मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हम खुदावंद ताला हमें बहरहाल ये त्यौहार मनाने की हमें सही तरीके से तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी भी मदद करे। बस